वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं आपके बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट में जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ना केवल क्वेश्चन बल्कि उसके आंसर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। तो इस वीडियो में बताए गए आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और 99% चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमने केवल उन्हीं को इस वाले वीडियो में शामिल किया हुआ है, उन्हीं क्वेश्चंस को। प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जा करके आप अपने पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल और आपके बहुत सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे आ गया है, तो अब बिल्कुल भी समय नहीं रहा है, तो इसलिए जो है आप अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है इस टाइम पे। जितना ज्यादा आप टाइम दे लेंगे अपनी पढ़ाई को आपके बोर्ड एग्जाम में, उतने ही अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन लिया है और बहुत ही सरल शब्दों में उसका आंसर लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इवन आफ्टर फेसिंग रुइन लेंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, इट वॉज बिकॉज ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड एंड दे वर कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प देम। प्यारे बच्चों इसका था बहुत ही सरल सा आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखते रहिएगा। देखिए प्यारे बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, How according to Mandela had apartheid policy affected South Africa? इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, according to Mandela apartheid policy had affected South Africa deeply. It had created deep and lasting wound in the country and its people. It will take a long time to heal this वाउंड। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी थिंग दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा, एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली and in a silent way it does not react like other people and also because she can confide in her dairy all her secrets। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, where did Annie stay before going to Holland? देखिए इसका आंसर क्या होगा, Annie's parents shifted to Holland and they did not take Annie with them, so एनी स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ्स। ये हो गया प्यारे बच्चों इसका आंसर। प्यारे बच्चों चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला, वाई वॉज द बैकर्स फर्नेंस इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गांव विलेज। जिसका देखिए क्या होगा आंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स एंड इसेंशियल ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन्स बोलिनहास हैड टू बी prepared during Christmas and other festivals, the mothers used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement, so the baker's furnace was essential। ये था प्यारे बच्चों इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, हमने इसमें केवल क्वेश्चन जो है हमने उसको इम्पोर्टेंट ही शामिल किया हुआ है, और बाकी जो है आंसर चाहे तो आप अपनी नोटबुक से याद कर सकते हैं, जो हम बता रहे हैं उसको भी याद कर सकते हैं, हमने बहुत ही सरल शब्दों में बताया हुआ है, अगर आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर पहले से ही लर्न है तो और भी अच्छी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या है, एट द एज ऑफ 25 व्हाइल हंटिंग वन डे बुद्धा सा अ सिक मैन देन एन एज्ड मैन देन अ फनरल प्रोसेसिंग एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, दीज मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सिक इनलाइटमेंट। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों अगला क्या है,
देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा व्हाई वॉज किसा गोतामी सैड, व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ। देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, किसा गोतामी वॉज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, इन द आवर ऑफ ग्रीफ सी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ। प्यारे बच्चों ये थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।